वही ढोंगी राजकुमारी है जो जानती है कि हमारी राजकुमारी चंद्रमुखी कहाँ है, किंतु महाराज ने उस ढोंगी राजकुमारी को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया है। अब भला महाराज के आदेश को कौन टाल सकता है? कुसुमी, वही नया आदेश तो हम तुम्हें बताने के लिए आए हैं। भुवन सिंह जी ने महामहिम से महल में छिपे हुए षड्यंत्रकारियों की सूची मांगी है और अब तुम्हें उन षड्यंत्रकारियों को पहचानना है। ये कैसा आदेश है हुजूर? हमें कोई भी दंड नहीं दे सकता, पर हमें इतनी क्षमता है कि हम राजकुमारी चंद्रमुखी को पाताल से ढूंढ कर भी ले आएंगे। अच्छा, क्या बात है! आजकल महामहिम राजवीर सिंह जी को महाराज और महल की सुरक्षा की चिंता होने लगी है। वाह! नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमारे जीवित होते हम उस चंद्रमुखी के फूल को, उस पशुराज को प्राप्त नहीं होने देंगे। ये मंदरा कहां से आ रही मुंगू? ये महामहिम राजवीर सिंह के कक्ष से आ रही, लेकिन ये वहां क्यों गई थी? अवश्य कुछ गुप्त सूचना देकर आई होंगी। चलो उसी से पूछते हैं। चलो। क्या बात है मंदरा जी, आज आप बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। महामहिम ने आपको कोई मूल्यवान उपहार दिया है क्या? नहीं चंगू मंगू, मुझे राजवीर सिंह जी ने कोई उपहार नहीं दिया है। उन्होंने तो मुझे ये आदेश दिया है कि मैं महाराज और महल की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखूं। अच्छा, क्या बात है! आजकल महामहिम राजवीर सिंह जी को महाराज और महल की सुरक्षा की चिंता होने लगी। अरे वाह! आज ही क्या, उन्हें तो महाराज और महल की सदैव चिंता लगी रहती है। क्या तुम्हें इसमें कोई संदेह लग रहा है? आप संदेह की बात कर रही हैं? हम कभी सोच भी नहीं सकते कि महामहिम ने ऐसी चिंता की होंगी। तुम दोनों आजकल बहुत बोलने लगे हो। मैं अभी वापस जाकर महामहिम को कहती हूँ कि तुम दोनों उनके बारे में क्या विचार रखते हो। अरे 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 मंत्रा जी, आप तो बस यूं ही खामा खा नाराज हो गए। हम चंगू मंगू तो आपकी परीक्षा ले रहे थे। हम दोनों महल के प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा लेकर ये देख रहे हैं कि कौन महाराज का कितना स्वामी भक्त है। और आज हमने देख लिया कि नागराज और महामहिम से बढ़कर स्वामी भक्त तो कोई नहीं है। और अब हम दोनों महाराज के पास जाकर के उनकी प्रशंसा करेंगे और कहेंगे, महाराज नागराज और महामहिम की पदोन्नति कर दी जाए। और आप देखना, हम दोनों की बात मानकर महाराज उनकी पदोन्नति कर देंगे। अच्छा, क्या महाराज आप दोनों की इतनी बात मानते हैं? और नहीं तो क्या। आज हम आपको एक गुप्त रहस्य बताते हैं। महाराज है ना, वो हमसे पूछे बगैर कोई कार्य नहीं करते, और वही कार्य करते हैं जो हम दोनों उन्हें कहते हैं। किंतु तुम दोनों ने महाराज पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि महाराज तुम दोनों को इतना मानते हैं? महाराज को मेरे जैसे, मतलब हम दोनों जैसे बुद्धिमान लोग बहुत पसंद है। आप देखना, महाराज जैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे ना, वैसे ही हम चंगू मंगू को अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर देंगे। इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि तुम दोनों महाराज के दाहिने हाथ बनने वाले हो। बनने वाले मतलब, अरे हम दोनों बन गए। खैर अब ये बताइए कि आप जा कहां रही हैं? यदि ना बताऊं तो क्या बिगाड़ लोगे तुम दोनों? हम तो बस यूं ही, मतलब हमें ये पता चला है कि पुराने महल में अतिथि युवराज वनराज को फिर से भूख सताने लगी है। और वो भूख मिटाने के लिए मनुष्यों की खोज कर रहा है। क्या, वो भोजन करने के लिए मनुष्यों को खोज रहा है? हाँ,
और नहीं तो क्या, पिछली अमावस की रात वो हमारे दो सैनिकों को मारकर खा गया था और अब पता चला है कि अब वो रूपनगर की किसी सुंदर महिला को मार के खा जाना चाहता है। आप भूल कर भी उस पुराने महल की तरफ मत जाइएगा, नहीं तो आपको वो अपना भोजन बना लेगा। हे भगवान, इसका तात्पर्य हुआ महामहिम मुझे मरने के लिए पुराने महल पर निगरानी रखने के लिए कह रहे थे, किंतु मुझे सही समय पर सत्य का पता चल गया है। जैसे वो मुझे मूर्ख बना रहे थे, वैसे ही मैं भी उन्हें मूर्ख बना दूंगी। आप क्या सोच रहे हैं मंदारा जी, लगता है आप भयभीत हो गई। मुझे भयभीत होने की क्या आवश्यकता है, मेरा कार्य तो महल में रहकर अधिकारियों की सेवा करने का है, फिर भला मैं पुराने महल क्यों जाऊंगी। बहुत काम है, मैं चलती। अरे नंदू, मंदारा को भयभीत करने की क्या आवश्यकता थी, तुमने किसने कह दिया कि वनराज सुंदर महिलाओं के भोजन की खोज में। चंदू, मुझसे किसी ने नहीं कहा, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि ये मंदरा डरती है या नहीं, और अब वनराज के नाम से हम किसी को भी भयभीत कर सकते हैं। हमें चंद्रमुखी का फूल तो प्राप्त नहीं, किंतु पथ पर वो दुष्ट राजवीर सिंह और नागराज अवश्य मिले। आप इतना निराश क्यों होते हैं युवराज, आज हमारे भाग्य ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, किंतु कल हम उस चंद्रमुखी के फूल को अवश्य खोज निकालेंगे। अब हमारा भाग्य सब ऐसा ही होता है, जब से हमारा जन्म हुआ है तब से दुर्भाग्य ने हमारा साथ ही नहीं छोड़ा। हम जो भी कार्य आरंभ करते हैं वो आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाता है। लगता है राजवीर और नागराज को हम पर संदेह हो गया है, वो अवश्य हमारे कार्य में बाधा डालने का प्रयास करेंगे। नहीं अतिथि युवराज, भला उन्हें यह संदेह कैसे हो सकता है कि हम दोनों रूपनगर के इस पुराने महल से चंद्रमुखी का फूल लेने ही निकले हैं। यह अवश्य ही हमारा दुर्भाग्य है कि वे दोनों दुष्ट हमें पथ में मिल गए। पता नहीं और कब तक हमारे पथ में बाधा खाते रहेंगे। यदि हमें वो फूल नहीं मिला तो हम अपनी माँ के पास कैसे लौटेंगे, वो हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। हमें तो यह भी नहीं पता कि हम कब और कैसे उनके पास जाएंगे। आप अवश्य ही चंद्रमुखी के उस फूल के साथ अपनी माँ के पास लौटेंगे युवराज। जब आपने इतना सब्र कर ही लिया है तो थोड़ा और कर लीजिए। अब हमारे सब्र का बांध टूटने लगा है माश्वेता, अगर हमारी माँ को कुछ हो गया तो हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे। ईश्वर करे आपकी माँ को मेरी आयु भी लग जाए। धन्य है वो माँ जिसने आप जैसे सुपुत्र को जन्म दिया। बस मुझे एक अवसर और दीजिए, इस बार मैं आपको एक ऐसे मार्ग से ले जाऊंगी जहां हमें कोई नहीं देख पाएगा और फिर हम उस चंद्रमुखी के फूल को खोजने में सफल होंगे। तुम कौन से पथ की बात कर रही हो? उस फूल तक पहुंचने के लिए अभी कई मार्ग और बचे हैं युवराज। यदि राजवीर सिंह और नागराज को हम पर संदेह भी हो गया तो भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है माश्वेता, जब तुम्हें इतना विश्वास है तो हम कुछ देर और प्रतीक्षा कर लेते हैं। यदि हमें इस बार भी निराशा हुई तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। आप महाश्वेता पे भरोसा रखिए युवराज, मैं जानती हूँ कि आप उस फूल के द्वारा जो भी कार्य करेंगे वो अच्छा ही होगा। अब आप विश्राम कीजिए, मैं रूपनगर के महल पर निगरानी रखती हूँ और जैसे ही मुझे रूपनगर के महल की स्थिति ठीक लगेगी मैं आपके साथ उस फूल की खोज में निकल पड़ूंगी। ठीक है, तब तक हम विश्राम करते हैं। भवन सिंह जी प्रणाम, मैं महामहिम राजवीर सिंह का संदेशा लेकर आपके पास ही आ रहा था। संदेशा? कैसा संदेशा? भवन सिंह जी,
महामहिम राजवीर सिंह ने यह संदेशा भेजा है कि राजकुमारी चंद्रमुखी के लुप्त होने के पश्चात सारे रूपनगर में तो हाहाकार मचा हुआ है, किंतु हमारे यहाँ जो अतिथि युवराज विश्राम कर रहे हैं उन पर इस घटना का कोई असर नहीं हुआ है, कोई असर नहीं। अब उनके यहाँ रुकने का कोई तात्पर्य नहीं रह गया भवन सिंह जी, अब हमें उन्हें इस महल से बाहर करके उनके अपने अपने राज्य वापस भेज देना चाहिए। ये हम कैसे कह सकते हैं, रूपनगर में आए युवराजों को महल से बाहर करने का अधिकार हमें नहीं है। कारण है भुवन सिंह जी, कारण है। बाहर से आए युवराज अब हमारे लिए संकट पर संकट खड़े करते चले जा रहे हैं। आपको याद होगा पिछली अमावस की रात को पुराने महल में ठहरे उस वनराज ने हमारे राज्य को कितने घोर संकट में डाल दिया था, कितने घोर संकट में। हाँ हमें याद है, अमावस की रात को अतिथि युवराज ने हमारे दो सैनिकों को मृत्यु के घाट उतार दिया था, किंतु हमने पुराने महल में अब ऐसे प्रबंध कर दिए हैं कि आने वाली अमावस की रात को वो युवराज हमें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। किंतु भुवन सिंह जी, उसी रात्रि को रूपनगर के इस महल से हमारी राजकुमारी चंद्रमुखी भी लुप्त हो गई थी। हमारे इन अतिथि युवराजों के कारण ही हमें अपनी प्रिय राजकुमारी से वंचित होना पड़ा है। और तो और, एक नई सूचना के अनुसार वनराज के यहां आने का कारण केवल और केवल चंद्रमुखी के उस फूल को प्राप्त करना है जिसे हमारी प्रिय राजकुमारी चंद्रमुखी अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी। नहीं, ये नहीं। वनराज भी अन्य युवराजों की तरह चंद्रमुखी से विवाह करने का उद्देश्य लेकर ही आया। भुवन सिंह जी, आपको किसी ने असत्य सूचना दी है। वनराज के यहाँ आने का कारण केवल और केवल चंद्रमुखी का फूल है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो चंद्रमुखी से विवाह करने ही आए हैं और इस बात को परखने के लिए पुराने महल में जाकर हमने उनसे भेंट भी की है और ये प्रमाणित भी हो चुका है कि उनको चंद्रमुखी के फूल से कोई मोह नहीं है। भुवन सिंह जी, वनराज बहुत चतुर है, बहुत चतुर। उसने हमें भ्रम में डालने के लिए ही ये नाटक किया है। हाँ, उसके सौतेले भाई भानु प्रताप सिंह जी अवश्य राजकुमारी चंद्रमुखी से विवाह करने का स्वप्न लेकर आए थे, किंतु राजकुमारी चंद्रमुखी के लुप्त होने के पश्चात उनका भी यह स्वप्न टूट गया है। मेरा विश्वास कीजिए भुवन सिंह जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं जो भी आपसे कह रहा हूं वो 16 आने सत्य है। किंतु हम और महेंद्र सिंह जी तो यही सोच रहे थे कि समस्त युवराजों का उद्देश्य चंद्रमुखी को प्राप्त करना है, किंतु आप इतने विश्वास से कह रहे हैं कि वनराज का उद्देश्य चंद्रमुखी के मायावी फूल को प्राप्त करना है। एक बार फिर सोच लिए नागराज जी, अगर आपकी सूचना असत्य हुई तो आपको अपने पद से हाथ धोना पड़ सकता है। भुवन सिंह जी, यदि मेरी बात असत्य है तो मैं ये पद तो क्या अपने प्राण भी त्याग सकता हूं, और यदि आप चाहें तो इस बात की जांच भी करवा सकते हैं। यदि आप इतने विश्वास से कह रहे हैं तो हमें भी सोचने पर विवश होना पड़ेगा, किंतु क्या आप ये हमें बता सकते हैं कि आपको ये सूचना कहां से प्राप्त हुई? ये सब तो सारा महल जानता है, सारा महल। और तो और, हमारे धुआं सिंह जी के वो दोनों बोने सेवक हैं चंगू मंगू, वो दोनों भी ये रहस्य जानते हैं, क्योंकि आजकल उनकी मित्रता भानु प्रताप सिंह जी से हो गई है और भानु प्रताप सिंह जी के द्वारा उन्होंने ऐसी गुप्त सूचनाएं प्राप्त की हैं भुवन सिंह जी, जिसे सुनकर एक बार को तो मेरे पैरों तले से धरती ही सरक गई थी। और कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह और उनके भाई सूर्य प्रताप सिंह के बारे में आपके क्या विचार है? अब उन दोनों भाइयों के विषय में आपको मैं क्या बताऊं भुवन सिंह जी, क्या बताऊं? वो दोनों भाई तो मेरे लिए रहस्य बने हुए हैं। कुंवर सूर्य प्रताप सिंह इन दिनों महल में दिखाई नहीं देते और उनके भाई कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह पता नहीं क्यों सारा दिन चोरों की तरह महल के समक्ष कक्ष में तांग झांक करते रहते। भुवन सिंह जी, आप शीघ्र ही कोई कदम उठाइए, अन्यथा हमारे ऊपर और संकट आ जाएंगे, और संकट। ठीक है, यदि हमारे अतिथि युवराज ऐसा कह रहे हैं तो हमारे लिए चिंता का विषय है। आप मां महिम राजवीर सिंह को सूचित कीजिए कि हमने उन्हें याद किया है, हम उनसे भेंट करके इस विषय पर कुछ मंत्रणा करेंगे। जो आगे भुवन सिंह जी, मैं तत्काल आपका यह संदेश महामहिम राजवीर सिंह तक पहुंचा देता हूं। प्रणाम।
बता रही हूँ। वो बूढ़ा भुवन सिंह नागराज के झांसे में आएगा कि नहीं, यदि नागराज वो महल के पड़े अतिथियों के लिए उसे भड़काने में सफल हो गया तो हमारे शीश पर पड़ा हुआ बोझ उतर जाएगा। महामहिम, महामहिम, वो बूढ़ा भुवन सिंह हमारे बने हुए जाल में फंस गया है। मैंने उसे समस्त राज अतिथियों के विषय में भड़का दिया है। वाह नागराज, तुम जैसे बुद्धिमान व्यक्ति हमने सारे रूपनगर में नहीं देखा। अब शीघ्र बताओ उस बूढ़े भुवन सिंह ने क्या निर्णय लिया। महामहिम, भुवन सिंह ने समस्त राज अतिथियों की समस्या से निपटने के लिए आपसे मिलने का निर्णय लिया है। अब आप तत्काल उनसे मिलकर समस्त राज अतिथियों के विषय में अपना विश्वगत दीजिए। तुम्हारे इस सुंदर मुख से निकले मीठे शब्दों को सुनकर हम फूले नहीं समा पा रहे नागराज, किंतु इस समय उस बूढ़े भुवन सिंह से मिलना ठीक नहीं होगा। पहले हमें सूर्य प्रताप सिंह और उसके भाई कुंवर विजेंद्र सिंह के विषय में ऐसी कोई सूचना निकालनी होगी जिसे सुनकर वो बूढ़ा भुवन सिंह क्रोध से भड़क उठे। समझ गए मामा, यदि हम ऐसी कोई गुप्त सूचना निकालने में सफल हो गए तो वो भुवन सिंह हमारी चाल में फंस जाएगा, फिर हम जैसा चाहेंगे वो बिल्कुल वैसा ही करेगा। नागराज, तुम जैसा बुद्धिमान इंसान ही हमारे मन की बातों को इतनी आसानी से समझ सकता है। जिस दिन हम इस रूपनगर के सम्राट बन जाएंगे उस दिन हम तुम्हें हमारा प्रधानमंत्री बनाकर इस राज्य के बागडोर तुम्हारे हाथ में दे देंगे। अब हमें उस डाकू दुर्गेश्वरी के विषय में सोचना है जो हमारे राजमहल में अतिथि का सम्मान पा रहे हैं। जब भी हम उस तुच्छ डाकू दुर्गेश्वरी के विषय में सोचते हैं तो हमारी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। आपका सोचना बिल्कुल ठीक है मामा, जंगलों में भटकने वाली एक तुच्छ डाकू को राजमहल की रानियों जैसा सुख मिल रहा है। डाकू दुर्गेश्वरी के इस भाग्य को देखकर तो मेरा रक्त उबलने लगा है। महामहिम, जिसके रक्त से हम अपनी प्यास बुझाना चाहते थे वही आज हमारी छाती पर मूंग डल रही है। इससे पहले कि हमें उस डाकू दुर्गेश्वरी का शीश उसके धड़ से अलग करना पड़े, ऐसी कोई योजना बनाओ जिससे हमें उस तुच्छ महिला का मुख न देखना पड़े। हाँ महिम, यदि आपने क्रोध में आकर उस डाकू दुर्गेश्वरी की हत्या कर दी तो हमारी सारी योजनाओं पर पानी फिर जाएगा। महामहिम, उस महिला को इस महल से निकालने की आवश्यकता नहीं है। यदि कुंवर सूर्य प्रताप सिंह और विजेंद्र प्रताप सिंह को इस महल से निकाल दिया जाए तो वो स्वयं ही इस महल से भाग जाएंगे। महामहिम, इस महल में भी उसे अतिथि का सम्मान विजेंद्र प्रताप सिंह के कारण ही मिला है। यदि वो अकेली होती तो उसे रूपनगर की सीमा में प्रवेश करने से पहले ही हमारे सैनिक टुकड़े टुकड़े कर देते। ये तो हमने सोचा ही नहीं। नागराज, आज भी तुम बहुत दूर की कौड़ी लेकर आए हो। बिना तलवार के शत्रु की गर्दन काटना कोई तुमसे सीखे। अब हमें हमारा सारा ध्यान कुंवर सूर्य प्रताप सिंह और उनके भाई विजेंद्र प्रताप सिंह पर लगा देना चाहिए और उन दोनों की सत्य असत्य कहानी गढ़कर भुवन सिंह को भड़का देना चाहिए ताकि हमें उन अनचाहे अतिथियों से छुटकारा मिले। आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी महामहिम, और निकट भविष्य में रूपनगर के इस महल में आप ही की जय जयकार होने वाले हैं। चंगू मंगू भी अब हमारे लिए गुप्त सूचनाएं लाने लगे हैं। अब देखते हैं कि वो दोनों क्या नया गुल खिलाते हैं। कुसमी जी, क्या बात है, आप किसी को खोज रही हैं? हाँ मंगू, क्या तुमने कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह को कहीं देखा है? ये क्या कुसमी, आपने किस अपशकुनी का नाम दे दिया? लगता है हमारा पूरा दिन बुरा जाने वाला है। और आपको क्या महल में कोई कार्य नहीं है क्या? इस सवेरे सवेरे उस निठल्ले युवराज को ढूंढ रही हैं आप? मैंने तुमसे जितना पूछा है उतना ही बता दो तो बहुत है। बोलो, क्या तुमने उन्हें कहीं देखा है? यदि हमने उसको देखा भी तो हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि हमने जब भी उसको देखा तभी हमारी किसी न किसी के साथ लड़ाई ही हुई है। आप नहीं जानते, उस मनहूस का सूरत जो एक बार देख ले उसे पूरा दिन भोजन नसीब नहीं होता।
इसलिए हम चाहते हैं कि आप जहाँ से आई हैं वहीं वापस चली जाइए, नहीं तो खामा खा सारा दिन आपको भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। आजकल तुम दोनों कुछ अधिक ही बोलते हो। लगता है तुम्हारे सरकार ने तुम्हें अधिक छूट दे दी है। आप कौन से सरकार के बारे में कह रहे हैं? हम किसी सरकार वर्कर को नहीं जानते। क्या तुम अपने सरकार को नहीं जानते? इतनी शीघ्रता से तुम दोनों अपने स्वामी को भूल गए? ऐसे कंजूस मक्खी चूस सरकार से क्या फायदा जिसके पास एक फूटी कौड़ी भी ना हो। इसलिए हम दोनों चंगू मंगू ने ऐसे सरकार को काम से निकाल दिया। ठीक है, अगर मुझे तुम्हारे सरकार कहीं मिल गए तो मैं उन्हें ये बात अवश्य बता दूंगी। फिर देखती हूँ कि तुम दोनों इस पूरे महल में कहाँ कहाँ छिपते फिरते हो। आप हमारी चिंता छोड़िए और बताइए कि आप उस अपशकुनी युवराज को क्यों ढूंढ रही हो। मुझे ये ज्ञात हुआ है कि वो युवराज एक षड्यंत्रकारी है, इसीलिए मुझे उस पर दृष्टि रखने का आदेश दिया गया। आपको उस निठल्ले युवराज पर दृष्टि रखने का आदेश मिला है? क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपको ये आदेश किसने दिया? मुझे ये आदेश महामहिम राजवीर सिंह ने दिया है। तुम दोनों हंस क्यों रहे? बात ही हंसने की है। एक षड्यंत्रकारी दूसरे षड्यंत्रकारी पर नजर रखने की बात कर रहा है। वो कहावत तो सुनी होगी आपने, चोर चोर मौसेरे भाई। आपकी ये बात सुनकर मुझे वो कहावत याद आ गई। क्यों चंगो? हाँ मंगू, महामहिम स्वयं नागराज जी के साथ षड्यंत्र पर षड्यंत्र रचाने की बात सोचते, पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं। देखो चंगू, हमें व्यर्थ की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वैसे हमें भुवन सिंह जी ने भोजन पे बुलाया है, अगर कहीं देर हो गई तो खामा खा क्रोधित हो जाएंगे। चलो मंगो। विशेष कार्य के लिए याद किया। ये हमारा सौभाग्य हुजूर, आपने हमें इस लायक समझा, नहीं तो इस रूपनगर में हमें कोई पूछता भी नहीं। अरे चंगू, एक हीरे की परख तो जौहरी ही जानता है, और हुजूर से बड़ा पारखी और कौन हो सकता है। हुजूर, हम आपके किस काम आ सकते हैं? हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि हमारे समस्त राजअतिथि कोई ना कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, क्या ये सत्य है? अब हम क्या कहें हुजूर? हमारे राज अतिथियों को इतना अधिकार मिला हुआ है कि वो जब जो चाहे अपनी मनमानी कर सकते हैं। हम किसी को रोकना भी चाहे तो रोक नहीं सकते, क्योंकि हम बिना डोर की पतंग बने हुए, हमारे वश में कुछ भी नहीं है। खुद हमारे सरकार ही हमारी नहीं सुनते। तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि हमारे समस्त राज अतिथि के बारे में आपके क्या विचार हैं? हुजूर, जब आपने पूछ ही लिया है तो हम आपको सब साफ साफ बता देंगे कि कौन किस में लिप्त है। सबसे पहले हम आपको अलकापुरी से आए हुए भानु प्रताप जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। तुम निडर होकर सत्य बताओ, अगर हमें तुम्हारी सूचना सत्य लगी तो हम तुम्हें मुंह मांगा उपहार देंगे। आपका आदेश हमारे लिए भगवान का आदेश है हुजूर। सत्य कहूं तो भानु प्रताप जी युवराज कम पशु अधिक दिखाई देते हैं। ये क्या कह रहे हो? भानु प्रताप तुम्हें पशु कैसे दिखलाई पड़ते हैं? मैं बताता हूँ हुजूर, जब से भानु प्रताप जी इस महल में आए हैं तब से तीन रसोई भाग खड़े हुए। उनका ये कहना है कि अकेले भानु प्रताप जी एक हाथी के बराबर भोजन करते हैं। क्या भानु प्रताप जी हाथी के जितना भोजन करते हैं? हाँ हुजूर, बात यहाँ पे समाप्त नहीं होती। जब भानु प्रताप जी क्रोधित होते तो किसी ना किसी को मारने के लिए दौड़ते, और जब देखो तब राजकुमारी चंद्रमुखी से विवाह करने की बातें करते। हुजूर, यदि ऐसे पेटू और क्रोधित युवराज के साथ राजकुमारी चंद्रमुखी का विवाह हो गया बहुत बड़ा अनर्थ होगा हुजूर। ऐसा अनर्थ हम कभी नहीं होने देंगे। हमें कुछ दूसरे युवराजों के बारे में भी बताया जाए। दूसरे युवराजों का भी वही हाल है हुजूर, कुंवर सूर्य प्रताप सिंह जी ना जाने कहाँ छुपे हुए रहते हैं।
और उनके भाई विजेंद्र प्रताप सिंह का कहना ही क्या, सारे महल में चोरों की बातें घूमते रहते हैं। हुजूर, मुझे तो लगता है दोनों मिल करके महल पे आक्रमण करने का षड्यंत्र रच रहे, अन्यथा विजेंद्र प्रताप डाकू दुर्गेश्वरी को महल में क्यों लाते? डाकू दुर्गेश्वरी का रहना हमें भी बहुत खटक रहा है। और शिवराज के बारे में तुम्हारे क्या विचार है जो पुराने महल में रहता है? हुजूर, ये आपने किस युवराज का नाम ले लिया? वनराज से तो सारा रूपनगर कांपता है, ना जाने वो कब किसकी हत्या कर देगा, कोई नहीं जानता। हमारा आपसे आग्रह है कि आप उन्हें पुराने महल में ही रखिए, यदि वो रूपनगर के महल में आ गया तो ना जाने क्या होगा। आपके विचार जानकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई, अब हमें कोई ना कोई कदम अवश्य उठाना पड़ेगा और समस्त युवराजों को एक एक करके उनके राज्य वापस भेजना पड़ेगा। अब जितनी शीघ्रता हो ये कार्य कर दीजिए हुजूर। तुम दोनों हमारे अतिथियों पर निगरानी रखो और जैसे किसी सड़न की गंध आए हमें तत्काल सूचित करो, समझे? जी हुजूर, अब हम चलते हैं। प्रणाम। प्रणाम हुजूर। आओ कुसुमी, तुम्हें देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हमें तुम्हारी उतनी ही आवश्यकता पड़ गई है जितने नागराज की। हम देखना चाहते हैं कि तुम हमारे लिए क्या कर सकती हो। हुजूर, मैं आप दोनों के लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ, आप एक बार आदेश करके तो देखिए हुजूर। प्राण? कुसुमी, जब प्राण देने की बारी आएगी ना तो सबसे पहले तुम ही यहाँ से लुप्त हो जाओगी, क्यों मामा? हुजूर, आप मेरी स्वामी भक्ति पर अविश्वास कर अच्छा नहीं कर रहे। कुसुमी जब किसी की स्वामी भक्ति स्वीकार करती है ना तो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। कुसुमी, तुम्हारा उत्तर सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। अब तुम कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह पर अपनी दृष्टि जमाए रखना, क्योंकि समस्त युवराजों में वही एक युवराज हमें बड़ा षड्यंत्रकारी लग रहा है। हुजूर, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। जब से वो कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह इस महल में आए हैं तब से अशुभ ही अशुभ हो रहा है। इसलिए कुसुमी तुम्हें उन समस्त अतिथि युवराजों पर अपनी दृष्टि जमाए रखनी है, क्योंकि हमें लगता है वो समस्त अतिथि युवराज कोई ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं जो भविष्य में हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ नागराज। यदि शीघ्र अति शीघ्र हमने इन अतिथि युवराजों को इस महल से बाहर नहीं निकाला तो ये हमारे राज्य का विनाश कर सकते। हुजूर, आप महाराज से बात करके इन अतिथि युवराजों को महल से बाहर क्यों नहीं निकलवा देते? हम यही तो नहीं कर सकते। वो चापलूस भुवन सिंह और महेंद्र सिंह हमारी किसी बात को महाराज के कानों तक पहुंचने ही नहीं देते। कुसुमी, तुम्हें जहां से भी किसी षड्यंत्र की गंध आए उसकी सूचना तुम्हें तुरंत हम तक पहुंचानी है। तब तक हम एक बार फिर से भुवन सिंह जी को समझाने का प्रयास करते हैं कि उन समस्त अतिथि युवराजों से छुटकारा पाने में ही हमारे राज्य की भलाई है। अब देर मत करो नागराज, हमें तत्काल जाकर भुवन सिंह जी से मंत्रणा करनी होगी। कुसुमी, तुम जा सकती हो और जैसे ही कोई षड्यंत्र का पता चले तो हमें आकर सूचित कर दो। आप निश्चिंत रहिए हुजूर, कुसुमी जब दोबारा आपसे मिलेगी तो किसी ना किसी षड्यंत्र की जानकारी के साथ ही मिलेगी। आज्ञा दीजिए। महामहिम, इस कुसुमी को मूर्ख बनाकर तो हम अपना कार्य सिद्ध करते रहेंगे, किंतु इस समय हमें उस भुवन सिंह को मूर्ख बनाना है। चलिए, भुवन सिंह हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रणाम गोजी जी। प्रणाम। प्रणाम। आपने हमें याद किया? हाँ राजवीर सिंह जी, हमने आपको याद किया है।
नागराज जी ने हमें हमारे अतिथियों के बारे में बताकर हमारे नेत्र खोल दिए हैं, इसलिए इस विषय पर मंत्रणा करने के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया है। क्षमा कीजिए बोलजी जी, हम हमारे राज अतिथियों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, किंतु जब पानी नाक से ऊपर निकलने लगा तो हमें राज अतिथियों की ओर उंगली उठानी थी। महामहिम, पानी नाक से ऊपर नहीं सर से ऊपर निकल चुका है। इससे पहले कि हमारे राज अतिथि हमें डूबो कर समाप्त कर दे, हमें उन राज अतिथियों को इस महल से चलता कर देना चाहिए। नहीं नागराज, ऐसा नहीं कहते। रूपनगर की परंपरा हमें राज अतिथियों का अपमानित करने से रोकती है, और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी सदियों पुरानी परंपरा को ठेस पहुंचाएगी। सदियों पुरानी परंपरा? महामहिम, क्या हम सदियों पुरानी परंपरा को निभाने के लिए उन राज अतिथियों को कुछ भी मनमानी करने की छूट है? आज इस महल में जिसके मन में जो आता है वो करता है। राजकुमारी चंद्रमुखी के लुप्त हो जाने की किसी को कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। हम दोनों उन्हें खोजते हुए भटकते फिर रहे हैं यहाँ से वहां, और वो राज अतिथि अपने अपने कक्ष में बैठे हुए षड्यंत्रों में लिप्त है। बस अब तो मेरा रक्त उबलने लगा है, अब मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा है महामहिम, नहीं देखा जा रहा है। हाँ भुवन सिंह जी, नागराज का क्रोधित होना ठीक है, क्योंकि किसी को नहीं पड़ी है कि हमारी राजकुमारी कहाँ है और किस हाल में है, और हमारे राज अतिथि राजमहल में ऐसे पड़े हैं जैसे राजमहल उन्हीं की जान। हमें भी हमारे समस्त राज अतिथियों के बारे में कुछ ऐसी ही सूचनाएं मिली हैं। जब नागराज जी ने हमें इसके बारे में बताया तो पहले तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ था, क्योंकि जब चंगू मंगू ने ये बात दोहराई तो हम नहीं मालूम था कि हमारे राज अतिथि इतने निकम्मे निकले। भुवन सिंह जी, हमारे राज अतिथि निकम्मे होते तो हम उन्हें झेल भी लेते, किंतु आजकल हमारे राज अतिथि षड्यंत्र रचने लगे हैं। अलकापुरी से आए भानु प्रताप सिंह हमारे चंगू मंगू को भड़काने से बाज नहीं आते, और जब वो दोनों बौने उनके बातों में नहीं फंसते तो उन्हें डरा धमका कर सारे महल में दौड़ाते रहते हैं। हाँ महामहिम, आप सत्य कह रहे हैं, मैंने भी स्वयं कई बार देखा है कि वो दोनों चंगू मंगू बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए आगे आगे दौड़ रहे हैं, और भानु प्रताप सिंह उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ये कैसा अन्याय है, कैसा अन्याय है? हमारे ही महल में रहकर हमारे ही चंगू मंगू को डरा धमकाया जा रहा है। आपकी ये बातें सुनकर हमें भी क्रोध आने लगा है। हम तो यही समझ रहे थे कि हम अपने राज अतिथियों पर ध्यान नहीं दे पा रहे, किंतु वो तो हमको ही नीचा दिखाने के प्रयास में लगे हुए हैं। हमें सूचना मिली है कि कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह भी किसी षड्यंत्र में लिप्त है। आप उन पर दृष्टि रखिए और हम महाराज से भेंट करके इसका कोई ना कोई हल अवश्य निकालें। हुजूर, हमने समस्त अतिथि युवराजों पर दृष्टि रखने के लिए अपने गुप्तचरों को लगा दिया है। हमारे गुप्तचर चंगू मंगू की निगरानी में उन समस्त अतिथि युवराजों पर अपनी कड़ी दृष्टि जमाए हुए हैं। अब देखें चंगू मंगू हमारे लिए क्या सूचना लेकर आते हैं। इतनी कठिनाइयों के बाद हम रूपनगर तो पहुंच गए, लेकिन अभी तक महल में विश्राम और खाने पीने के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इस राजकुमारी चंद्रमुखी को पाने के लिए हम यहाँ तक आए, वो बिना एक झलक दिखा रहा है लुप्त हो गई। समझ में नहीं आता हम यहाँ करें तो क्या करें। काश हमारी माँ या सौतेली माँ होती तो अवश्य हमें कोई ना कोई मार्ग दिखाती। हुजूर, क्या बात है, आप इतना चिंता में क्यों है हुजूर? हम सोच रहे हैं जब हमारी होने वाली रानी हमारी प्रिय चंद्रमुखी ही इस महल में नहीं है तो हम यहाँ रह के क्या लाभ पा सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक सोचा हुजूर, आप तत्काल यहाँ से उल्टे पर वापस लौट जाइए। क्या हुजूर, चंगू बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप जहाँ से आए वहाँ वापस लौट जाइए, क्योंकि अब आप इस रूप नगर पर सिर्फ और सिर्फ एक बोझ है। अब आप ही बताइए, खाने और सोने के अलावा आपके पास और कोई कार्य है? नहीं है ना, इसीलिए अब आप बताइए क्या आप कभी वापस जा रहे हैं? ओ,
चंगो औकात में रहो, हम महाराज से कह के तुम्हारे शीश उड़वा देंगे। क्षमा कीजिए हुजूर, मंगू सिंह भूल हो गए, आप जब चाहे तब तक यहाँ रह सकते हैं। आप अलकापुरी के महाबली है, आप सजेले सुंदर युवराज। बस बस इधर, अब ये बताओ कि तुम दोनों हमसे मिलने क्यों आए? कुछ नहीं हुजूर, हम तो बस आपके दर्शन करने चले आए थे और ये भी जानने आए थे कि आप कब जा रहे हैं यहाँ से। अरे हम तो यहाँ एक भी दिन और नहीं रहना चाहते। जैसे ही हमें हमारी राजकुमारी चंद्रमुखी मिल जाएगी, हम उसे अपनी रानी बनाकर यहाँ से कूच कर जाएंगे। हुजूर, ये आपने बिल्कुल ठीक सोचा, किंतु जब आप राजकुमारी चंद्रमुखी जी को अपने राज्य में लेकर चले जाएंगे तो इस रूपनगर का क्या होगा? इस रूपनगर की बागडोर कौन संभालेगा हुजूर? हमने इसके बारे में सोच लिया है। राजकुमारी चंद्रमुखी से विवाह करने के बाद जब हम उसे अपने राज्य में ले जाएंगे तो हमने सोचा है कि यहाँ की बागडोर हम तुम दोनों के सबूत कर देंगे। ये क्या कर रहे हो? आपके चरण स्पर्श कर रहा हूँ भानु प्रताप जी, आप महान हो। हुजूर, हम दोनों में महाराज बनने के समस्त गुण हैं। आज तक किसी ने हम दोनों को पहचाना नहीं, लेकिन आप ही ऐसे युवराज हैं जो हम दोनों की काबिलियत को समझते हैं। हुजूर, केवल एक आप ही हैं जिन्होंने हम दोनों को पहचाना है। हुजूर, किसी ने बिल्कुल सत्य ही कहा है कि हीरे की परख सिर्फ एक जौहरी ही जानता है। हमने और भी कुछ सोचा है। यहाँ से कूच करने से पूर्व हम रूपनगर के दो टुकड़े कर देंगे और तुम दोनों को एक एक टुकड़ा दे देंगे ताकि बाद में तुम दोनों के बीच में कोई खटपट ना हो। हुजूर रुकिए, कहीं मैं कोई टुकड़ा तो नहीं देख रहा हूँ ना? अरे अभी और तो सुनो, हमने सोच रखा है कि एक टुकड़े का नाम चंगूपुर रखेंगे और दूसरे टुकड़े का नाम मंगूपुर। वाह हुजूर वाह, कितना सुंदर लगेगा जब आधे रूपनगर का नाम मंगूपुर होगा और आधे रूपनगर का नाम चंगूपुर होगा। हुजूर बताइए, हम आपकी क्या सेवा करें? आपके चरण तो हम दबा ही रहे, आप कहे तो आपका गला, अरे मेरा मतलब आपका सर दबा देते, आपकी चंपी कर देते हुजूर, आपकी मालिश कर देते हुजूर, बताइए। अभी नहीं, अभी हम बहुत सोच विचार में हैं। रात को जब हम विश्राम कर रहे हों तब तुम दोनों आके हमारी सेवा करो। और एक बात याद रहे, जो भी महल के मंत्री संतरी जितने भी बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, माली बावर्ची जो भी तुम्हें मिले, सदैव भानु प्रताप सिंह की प्रशंसा करना, प्रशंसा, समझे? हुजूर बिल्कुल ऐसा ही होगा। जा रहे हुजूर, जा रहे, अब देखना आपके नाम के हम कितने गुण गाएंगे। भानु प्रताप सिंह की जय हो। भानु प्रताप जी 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 की जय हो। भानु चंदू, भानु चंदू, जय हो।